बिहार जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करेंगे और हेरिटेज इन एजुकेशन जो है वो हम पढ़ेंगे पॉइंट्स पे, ठीक है। चलो तो स्तूपास के अंदर हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, तो स्तूपास जो है लॉर्ड बुद्धा के होते हैं और स्तूपा कैसा होता है, तो स्तूपा डोम शेप का होता है। स्तूपास जो है वहां पे स्तूपा ऑफ अशोका का सांची स्तूपा, स्तूपा ऑफ लुम्बिनी एंड सारनाथ का स्तूपा जो है वो बहुत फेमस स्तूपा था, ठीक है, बहुत फेमस स्तूपा है। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, तो उसके अलावा जो है हमने पढ़ा था कि स्तूपा जो है वहां पर लोग मेडिटेशन के लिए आते हैं, बुद्धा साधना करने आते हैं, क्लियर, वो हमने यहाँ पे पढ़ा था। फिर स्तूपा जो है पहले से डोम शेप के थे, धीमे धीमे उसमें चेंजेस आते गए उनके आर्किटेक्चर वर्क के अंदर। सबसे पहले जो है उसमें जो प्रदक्षिणा खंड आई, उसके बाद वुडन आर्ट का आर्किटेक्चर स्टाइल वहां पे आई, फिर जो है इस तरीके से हमने एकदम पढ़ा था। मैंने आपके पीछे बोला है जस्ट टू रिकॉल यू, बाकी पहले जो है शम डायनेस्टी का था, फिर कनिष्क ने किया था, है ना, ऐसा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। अब जो है स्तूपास के अलावा, स्तूपास में लास्ट एक फेमस जो स्तूपा थी जिसमें प्रदक्षिणा खंड बनाई गई थी कनिष्क के द्वारा, वो जो है उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, शाहजी की देरी, शाहजी की देरी जो है उसका नाम है, क्लियर। अब हम पढ़ेंगे चैत्या के बारे में, चैत्या क्या होता है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। हमने जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था उसकी फर्स्ट लाइन में ही पढ़ा था कि हम इसके अंदर स्तूपा, चैत्या, विहारा इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्तूपा हमारा फिनिश होता है और चैत्या जो है वो स्टार्ट होता है। चैत्या जो है, अब चैत्या एक मेजर सेंटर है बुद्धिस्ट आर्ट का, वहां पे भी बुद्धिस्ट आर्ट के बारे में ही बताया गया है, जैसे कि केव्स चैत्या, लाइक केव्स चैत्या वर कार्व्ड इन माउंटेन्स, पर्वत के अंदर जो है चैत्या की केव्स कार्व्ड बनाई गई है, क्लियर। केव्स ऑफ चैत्या जो है वो कैसी थी, तो केव्स ऑफ चैत्या कॉलम्स डोर से उसमें ह्यूज प्रेयर और बड़ा सा एक प्रेयर हॉल था, उसके अलावा बहुत अच्छे से कार्व की गई थी और जो है उनको टेंपल का शेप दिया गया था, टेंपल हमारा ऐसा होता है ना वैसा शेप उनको भी दिया गया था। वो क्यों, चैत्या का यूज क्या था, तो चैत्या वर यूज एज अ प्लेस ऑफ प्रेयर, वहां पे प्रेयर करने के लिए यूज होता था चैत्या, ठीक है। कॉलम्स जो थे वहां पे वो बहुत फाइनली कार्व किए थे, बहुत फाइनली बनाए गए थे कार्व, ठीक है। और चैत्या जो अमरावती की है और भाज और करला की, वो बहुत वर्ल्ड फेमस है, वो बहुत वर्ल्ड फेमस है, ठीक है। और केव्स वर मेड बाय कार्विंग, केव्स कैसे बनाते थे, तो माउंटेन्स के ऊपर कार्व करके केव्स बनाए जाते थे,
जो बुद्ध के और जैन के जो मॉन्क होते थे उनके लिए, और उसको बिहारास बोला गया है। उसको बिहारास बोला गया है, क्लियर? बिहारास किसको बोलते हैं? तो माउंटेन के ऊपर कर्व किया गया, कार्व किया गया, जहाँ पे बुद्धिस्ट और जैन मॉन्क रहते थे, उस जगह को बिहारास बोला गया है। क्लियर? जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क जो है स्टडीड इन दिस बिहारास, वो लोग यहाँ पे पढ़ते भी थे। यू सेन ने नोट ऐसा किया कि यहाँ पे हंड्रेड ऑफ बिहारास है नॉर्थ इंडिया में। ऊपर का जो पार्ट है इंडिया का ऊपर पोर्शन, वहाँ पे 100 से भी ज्यादा अप्रॉक्स 100 बिहारास वहाँ पे है। ऐसा जो फॉरेन चाइनीज ट्रेवलर आया था यू सेन, उसने लिखा है, उसने बताया। नॉर्थ इंडिया और गुजरात में दोनों में मिला के बताया है कि 100 से भी ज्यादा बिहारास है। क्लियर? फिर है स्टैचू एंड मॉन्यूमेंट आर एसोसिएटेड विद जैन आर्किटेक्चर। स्टैचू और मॉन्यूमेंट्स जो है वो जैन आर्किटेक्चर के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैन के स्टैचू जो गोमतेश्वर में है, गोमतेश्वर इन श्रावण बेलगोड़ा, गोमतेश्वर इन श्रावण बेलगोड़ा में है, वो वर्ल्ड फेमस है, वो वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, फिर बहुत सारे केव्स बनाई गई है, जैन मॉन्क और बुद्धिस्ट भिक्षु है उनके रहने के लिए। बहुत सारी केव्स बनाई गई है जैन और बुद्धिस्ट के जो मॉन्क है उनके रहने के लिए। क्लियर? और बहुत सारी ऐसी केव्स जो है गुजरात में भी लोकेटेड है, गुजरात में भी है ऐसा बोला है। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्तूपा बिहारा फिनिश होता है, हेरिटेज इन एजुकेशन स्टार्ट होता है, हेरिटेज इन एजुकेशन। अब जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन की तरफ हम देखेंगे, उनका जो वेल डेवलप टाउन प्लानिंग था वो सब देख के हम ऐसा बोल सकते हैं कि उस टाइम भी हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन इम्पार्ट मतलब था इंडिया के अंदर, वो भी 4000 ईयर्स एगो, 4000 ईयर्स पहले। ठीक है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मोहनजोदड़ो में है उससे हमें पता चलता है कि उस टाइम में एजुकेशन काफी अच्छा था, दैट मींस कि वेल डेवलप्ड एजुकेशन उस टाइम भी था। इवन उसके अलावा ये दिस सिविलाइजेशन और जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है उसको ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन बोला गया, उसको क्या बोला है, ब्रॉन्ज। हड़प्पा सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी बोला गया है। क्लियर? और क्यों ऐसा? बिकॉज उनके पास नॉलेज था ब्रॉन्ज टेक्नोलॉजी के बारे में, ब्रॉन्ज टेक्नोलॉजी के बारे में उनके पास इंफॉर्मेशन थी, इसलिए ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी बोला गया है। क्लियर? और ऐसा भी बोला जाता है कि केमिस्ट्री भी उस टाइम बहुत वेल डेवलप था, एंशिएंट टाइम में 4000 ईयर अगो, और
जो है केमिस्ट्री को हम वेल डेवलप बोलेंगे इंडिया के अंदर, तो किस बेस के ऊपर, तो उस टाइम फोर्ट हाउसेस बार फोर्ट्स जो बनाए थे उससे हम ऐसा बोल सकते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग जो है वो भी बहुत वेल डेवलप था उस टाइम, क्योंकि वहाँ पे जो हाउस फोर्ट वेल रिवर जो इतना परफेक्टली अरेंजमेंट बनाया गया था उससे हम ऐसा बोल सकते हैं कि सिविलाइजेशन सिविल इंजीनियरिंग भी वेल डेवलप था। क्लियर। और डेवलपमेंट ऑफ टेक्सटाइल एंड शिपिंग, टेक्सटाइल का और शिपिंग का भी डेवलपमेंट था उस टाइम, और उससे वो हमें किससे पता चलता है, तो वो हम मतलब टेक्सटाइल और शिपिंग का डेवलपमेंट देख के हम ऐसा बोल सकते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी वेल डेवलप था उस टाइम। क्लियर। इतना समझ में आया। ये सब चीज हम हड़प्पा कल्चर को अगर देखेंगे तो उसमें से ही हमें पता चलता है, क्योंकि वहां पे इन सब के इतने बेस्ट एग्जांपल्स अभी भी है। क्लियर। और केमिस्ट्री के अंदर हम बोल सकते हैं वेल डेवलप, तो वो मेटलर्जी के लिए वहां पे जो आयरन पिलर है वो बनाया गया है, वो कितने सालों तक ओपन में है, एयर और रेन दैट मींस वाटर के कांटेक्ट में है, फिर भी उसको कोरोजन जम नहीं लगा, वो देख के हम ऐसा बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री भी वेल डेवलप था उस टाइम। क्लियर। समझ में आया। ये सारे जो है एग्जांपल से हम इन सारी फील्ड इंजीनियरिंग फील्ड वेल डेवलप थी उस टाइम ऐसा पता लगा सकते हैं, और हमने लगाया है। ठीक है। क्लियर। इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट है कि फाइव विद्यापीठ जो है वो अभी भी हमें जो फाइव विद्यापीठ मिली है वो उससे हम ऐसा पता कर सकते हैं कि इम्पार्ट एजुकेशन इम्पार्ट वहाँ पे हमारे यहाँ पे होता था, और जिसको यूनिवर्सिटी बोला गया है। ठीक है। जिसको यूनिवर्सिटी भी बोला गया है, विद्यापीठ इज ऑल्सो विच कैन बी कॉल्ड यूनिवर्सिटी। क्लियर। प्रेजेंटली हैव बीन फाउंड, और जो अभी हमें मिली है खोज करने के बाद यूनिवर्सिटी मिली है। क्लियर। तक्षशिला जो है वो गांधार के पास में है। तक्षशिला जो है विद्यापीठ वो गांधार के पास है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, जो बहुत ग्रेट एजुकेशन पिलग्रिमेज है, जहाँ पे एजुकेशन इतना अच्छा मिलता था कि फॉरेन से लोग यहाँ पे आते थे, बाहर से इंडिया के बाहर से लोग यहाँ पे एजुकेशन लेने के लिए आते थे। क्लियर। वहाँ पे हमें एथिक्स, संस्कृत, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता था। ये सारे सब्जेक्ट्स हमें वहाँ पे पढ़ाए जाते थे। सी, इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लो, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। क्लियर। ये आपको एक्सरसाइज में भी आएगा। समझ में आया। नाउ नेक्स्ट, हिंदुज्म और फिलोसॉफी जो है, हिंदुइज्म और फिलोसॉफी वो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता था, और ग्रेट फिलोसोफर्स और रूलर्स थे उस टाइम, जैसे कि पाणिनि, चाणक्य, चंद्रगुप्त, जीवा, ये सब कौन थे, ये सब जो है ग्रेट फिलोसोफर थे। ठीक है। और उन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बहुत सारा रिनोव किया है, आगे बढ़ाया है एजुकेशन। क्लियर। देयर वाज एविडेंस, वहां पे ऐसा, ठीक है, वन सच और एक
दैट इज नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में है जो बहुत फेमस है, वहाँ पे भी बाहर से लोग आते थे स्टडी करने के लिए। क्लियर? नालंदा विद्यापीठ भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ह्यूसेन जो है वहाँ पे उसने विजिट की है। ह्यूसेन जो चाइनीज ट्रेवलर था उसने भी वहाँ पे विजिट की है। क्लियर? अब हिंदू और बुद्ध के फिलोसॉफीज यहाँ पे पढ़ाए जाते थे। हिंदू के और बुद्ध के फिलोसॉफीज यहाँ पे पढ़ाए जाते थे। क्लियर? नागार्जुन जो है नालंदा विद्यापीठ का ग्रेट केमिस्ट था। नागार्जुन जो है नालंदा का बहुत ग्रेट केमिस्ट था, और जो है उसने मर्क्यूरी के एश का सबसे फर्स्ट टाइम यूज मर्क्यूरी के एश का उसने मर्क्यूरी के एश का उसने फर्स्ट टाइम यूज किया था एज अ मेडिसिन। मेडिसिन के तौर पे उसने सबसे फर्स्ट टाइम यूज किया था। क्लियर? ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। फिर जो है वहाँ पे एविडेंस मिलता है ग्रेट विद्यापीठ का, जो वल्लभी विद्यापीठ है गुजरात में वो भी, ठीक है। और 6th और 7th सेंचुरी के टाइम के बाद में ह्यूसेन ने लिखा है कि यहाँ पे बहुत सब कुछ उसने वल्लभी विद्यापीठ जो है उसके बारे में लिखा है कि बहुत फेमस है, बहुत अच्छा एजुकेशन मिलता है, एक्सेट्रा, ऐसा सब उसने बहुत सारा इसके बारे में यहाँ पे लिखा है। क्लियर? यहाँ पे जो है स्टूडेंट जो यहाँ पढ़ने आते थे उनकी एंट्रेंस एग्जाम ली जाती थी। स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आते थे पढ़ने उनकी एंट्रेंस एग्जाम ली जाती थी, और एंट्रेंस एग्जाम के अलावा जो है वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम क्लियर होने के बाद इंटरव्यू लिया जाता था, और जब वो इंटरव्यू में पास हो जाते थे उसके बाद उनको यहाँ पे पढ़ने के लिए दैट मीन्स एडमिशन मिलता था और वो यहाँ पे पढ़ सकते थे। क्लियर? मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो है इंडिया के अंदर था उस टाइम से ही नॉलेज हमें तीन रिलीजन का मिलता था। तीन रिलीजन का नॉलेज हमें मिलता था, हिंदुज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में। हिंदू धर्म, बुद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में हमें नॉलेज मिलता था। क्लियर? फिर वो उसमें हमें मेडिटेशन, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी के बारे में एजुकेशन हम इम्पार्ट करते थे। क्लियर? ये थ्री रिलीजन के अंदर रिलेटेड। अब जो है बंगाल के अंदर दो विद्यापीठ थी, बंगाल के अंदर दो विद्यापीठ थी, एक है विक्रमशिला और दूसरा है अनंतपुरी। बंगाल के अंदर दो विद्यापीठ, एक थी विक्रमशिला और दूसरी थी अनंतपुरी, जो जहाँ पे एक लार्ज थ्री स्टोरे लाइब्रेरी है और बुद्धिज्म हॉस्पिटल, तीन माले की तो लाइब्रेरी है वहाँ पे ऐसा। क्लियर? समझ में आया? यहाँ पे हमारा एजुकेशन वाला टॉपिक फिनिश होता है और कॉइन वाला टॉपिक स्टार्ट होता है, ठीक है। कॉइन्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा, कॉइन्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा कि कॉइन्स जो है इम्पोर्टेंट सोर्स है हमारी हिस्ट्री को जानने के लिए। कौन सा किंग कौन से सेंचुरी में कौन सी जगह पे रूल करता था वो सब इंफॉर्मेशन हमें कॉइन्स के थ्रू मिलती है, क्योंकि जो कॉइन और उस कॉइन से हमारी प्रॉस्पेरिटी जो इंडिया की थी वो भी पता चलती है।
क्यूबिक और जो कॉइन होते थे उसके ऊपर वो किंग की इमेज, ईयर, नेम, सेंचुरी सब कुछ होता था। और जो है गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के कॉइन होते थे, है ना, समझ में। तो ये सबसे हमें कॉइन के इंफॉर्मेशन मिलती थी और प्रॉस्पेरिटी कॉइन जो इंडिया की थी वो कॉइन के थ्रू हमें पता चलते। जो कॉइन्स उस टाइम थे जो अभी एविडेंस के तौर पे हमें मिले, क्लियर। सबसे इंडिया का ओल्डेस्ट कॉइन है पंच मार्क कॉइन, जो हमने आगे वाले लेसन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सबसे ओल्डेस्ट कॉइन जो है वो है पंच मार्क कॉइन, क्लियर, याद रखना, जो 5th सेंचुरी बीसी का है। उसके बाद इंडो ग्रीक रूलर आए और उन्होंने एक स्पेशल काइंड के कॉइंस यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए, जो कॉइंस ओल्ड कॉइन थे और उसके ऊपर किंग का मार्क और उसकी फोटो, उसका टाइम मेंशन किया गया था, क्लियर, समझ में आया आपका। और इससे हमें जो है हिस्ट्री के टाइम के बारे में पता चलता है, हिस्ट्री के टाइम के बारे में, दैट मींस कि ये ईयर में, ये सेंचुरी में ये किंग था, ऐसे, क्लियर, समझ में आया। उसमें से कुछ फेमस कॉइन, फेमस किंग के थे वो यहाँ पे बताए हैं, वो इम्पोर्टेंट है, वो पूरा अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। अब जो है कुछ पॉइंट्स हैं बेस्ट एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बताए गए हैं, वो है पॉइंट्स ऑफ गुप्ता एज। गुप्ता एज के टाइम के बेस्ट पॉइंट बताए गए हैं, उसमें से सबसे पहला है समुद्रगुप्त का कॉइन। समुद्रगुप्त का कॉइन जो है वो है, इसके उसमें ऐसा पिक्चर दिखा है कि वो वीणा बजा रहे हैं एंड किलिंग हिम, कि समुद्रगुप्त कॉइन विद दिस पिक्चर ऑफ प्लेइंग वीणा एंड किलिंग हिम, इसके तौर पे जो है वहां पे इमेज बताई गई है। और जो है दूसरा पॉइंट है वो चंद्रगुप्त का पॉइंट है, पॉइंट ऑफ चंद्रगुप्त, वहां पे पिक्चर है किंग और क्वीन का और गरुड़ का, किंग और क्वीन का और गरुड़ का पिक्चर उसके ऊपर दिखाया गया है। और उसके अलावा चंद्रगुप्त टू, दैट वॉज विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त टू मतलब कौन, तो विक्रम आदित्य है, उसका कॉइन है और सिंह विक्रम का कॉइन है, उसके ऊपर गरुड़ का फ्लैग है, गरुड़ फ्लैग वहां पे दिखाया गया है, ठीक है। ये सारे कॉइंस बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट में मिले हैं, ठीक है। और ये सारे कॉइंस जो है गोल्ड के हैं मोस्टली, सोने के सिक्के हैं ये सारे मोस्टली, समझ में आया। फिर जो हमें इंफॉर्मेशन मिलते हैं इंडिया के अंदर इमेंस प्रॉस्पेरिटी ऑफ दैट टाइम, उस टाइम जो इतनी रिचनेस थी, अमीर थे, कि वो सब हमें वो पॉइंट्स देख के भी हम अंदाजा लगा सकते हैं, क्लियर, समझ में आया इतना। फिर है कंसिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन टेकन प्लेस फॉर सेंचुरीज, बहुत सेंचुरीज का जो है कंटिन्यूस डेवलपमेंट होता ही गया है, क्लियर। ऑलमोस्ट हर एक ब्रांच जो है नॉलेज की हमें बताती है कि हमारी इंडिया जो है डेवलपिंग हो रही है और उस टाइम भी धीमे धीमे डेवलपमेंट हो भी रहा था। और ये सब पढ़ के हमें इंडिया के
ग्रेट कल्चरल हेरिटेज के बारे में और यूनिकनेस जो थ्रू आउट वर्ल्ड है वो सब के बारे में हमें पता चलता है। क्लियर, समझ में आया आपको इतना? ठीक है, अब हमने आज उपवास विहारास हेरिटेज इन एजुकेशन सिविलाइजेशन और पॉइंट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, स्तूपास क्या होते हैं? तो डोम शेप के होते हैं, उत्तर रीजन को मेनली एसोसिएटेड होते हैं। विहारास क्या होते हैं? तो विहारास और चैत्य जो है, चैत्य भी और विहारास जो है बुद्धिस्ट और जैन मॉन्क को रहने के लिए बनाए जाते हैं। विहारास चैत्य जो है वो भी उत्तर रीजन के एसोसिएटेड है और जो है बहुत सारे इन लार्ज नंबर हैव बीन फाउंड, बहुत सारे मिले गए हैं। क्लियर, हेरिटेज इन एजुकेशन सिविलाइजेशन। तो उस टाइम भी हमारा एजुकेशन सारे फील्ड में वेल डेवलप था, अगर सिविल इंजीनियरिंग बोलो तो भी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बोलो तो भी, सारे फील्ड में वेल डेवलप था। ठीक है, फिर पॉइंट्स, पॉइंट्स के बारे में हम बोलेंगे। तो पॉइंट्स जो है उस टाइम गोल्ड के थे और गोल्ड के पॉइंट हमें हमारे इंडिया की प्रॉस्पेरिटी रिचनेस के बारे में बताते हैं और कौन सी सेंचुरी में कौन से किंग रूल करते थे वो सब हमें कॉइन के थ्रू एक इंफॉर्मेशन मिलती है। क्लियर, और जो है यहाँ पे सबसे ओल्डेस्ट कॉइन पूछेंगे तो आपको आना चाहिए क्योंकि आपने आगे वाले लेसन में भी पढ़ लिया है कॉइन्स, पर वहाँ पे शॉर्ट में था, डिटेल में नहीं था। मेल चैप्टर में डिटेल में उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि समुद्रगुप्त का कॉइन, चंद्रगुप्त का कॉइन, उस पे क्या दिखाया है। ठीक है, वो सब यहाँ पे बताया गया है और उसमें से हमें उस टीम के बारे में कि कॉइन के ऊपर इंडो ग्रीक थे, उन्होंने एक कॉइन, एक न्यू टाइप के कॉइन इंट्रोड्यूस किए जो कॉइन के ऊपर किंग की फोटो, किंग का नेम और किंग कौन से ईयर में रूल करता था और जो है इमेज वो सब बताया गया है। और मोर ओवर और मोस्टली सारे कॉइन गोल्ड के कॉइन थे, सोने के सिक्के थे सारे कुछ। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, ये सब हमने आज के चैप्टर में यहाँ पे पढ़ा और अगर हम स्टार्टिंग से एक बार देख ले तो आर्किटेक्चर, लिटरेचर, आर्ट्स, लिटरेचर में नॉन रिलीजियस, रिलीजियस, फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, विद्यावेद दैट इज यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम, फिर आर्किटेक्चर, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ये सब टॉपिक के बारे में हमने ये चैप्टर में पढ़ा है। इसलिए ही इसका नाम है ग्लोरी ऑफ भारत वर्ष, जो ग्लोरी चमक है भारत वर्ष की, वो सब हमने इसमें पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है।